हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी ज्ञान। आज के इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन है, एक जो लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए। ओआईसीएल की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 300 वैकेंसीज आई हैं इस बार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट की। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है या फी पेमेंट जो है वो शुरू होगा 18 अगस्त 2017 से, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट की वो है 15 सितंबर 2017। और फेज़ फर्स्ट जो है वो होगा 27 अक्टूबर को, और सेकंड फेज जो है वो 18 नवंबर को होगा 2017 में। इसमें पोस्ट जो है 223 जर्नलिस्ट के लिए हैं, 20 अकाउंटेंट्स की हैं, 30 पोस्टिंग के लिए हैं लॉ ऑफिसर के लिए, 15 है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, 2 है एक्चुअरीज और 10 है मेडिकल ऑफिसर्स की। जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 300 हैं। अब देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो जो कैंडिडेट सेकंड फेज क्लियर करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू होगा। इसकी एज क्राइटेरिया क्या होगी? तो एज जो है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 30 ईयर्स, यानी कि 1 अगस्त 1987 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए, और 31 जुलाई 1996 के बाद के नहीं होने चाहिए डेट ऑफ बर्थ आपकी। अगला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्या होनी चाहिए। तो आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हों, 60% जर्नल के लिए और 55% है SC ST के लिए, स्केल फर्स्ट के लिए। और एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज़ है ST SC और PWD कैंडिडेट, और 600 रुपीज़ है बाकी सबके लिए, यानी जर्नल OBC या जो भी हैं उनके लिए 600 है। रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा? तो रजिस्ट्रेशन जो है इसके लिए 18 अगस्त से शुरू होगा और 15 सितंबर तक चलेगा। इसकी कट ऑफ कितनी चाहिए? तो ये जो कट ऑफ है इसकी फिक्स नहीं है, ये ईयर टू ईयर डिपेंड करती है कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस पे। सेक्शनल कट ऑफ होगी? जी हाँ, सेक्शनल कट ऑफ रहेगी एग्ज़ाम में, आपको हर एक सेक्शन क्लियर करना ज़रूरी है। और फाइनल सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा? तो फाइनल सिलेक्शन में जो आपने एग्ज़ाम में रिटर्न में मार्क्स लिए हैं और आपके इंटरव्यू दोनों के मिला के कट ऑफ निकलेगी, वो उसमें से फाइनल सिलेक्शन होगा। ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन सब पोस्ट के लिए, आप इसे पॉज करके एक बार देख लें अच्छे से। इसमें सारी जो पोस्ट हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है, तो वीडियो पॉज कीजिए और आराम से इसे पढ़ लीजिए फॉर्म भरने से पहले। अब फेज़ वन यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। इसमें 3 ही सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें 30, 35, 35 इनके मैक्सिमम मार्क्स हैं और इतने ही इनके क्वेश्चन आएंगे, और जो टाइम मिलेगा वो 1 घंटे का मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के बाकी दोनों पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी या इंग्लिश में। और प्रीलिम्स में के बाद 20 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो जर्नलिस्ट के लिए मेंस एग्ज़ाम में ये है पैटर्न, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगी, जर्नल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा और 120 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे पेपर बाइलिंगुअल होंगे। और स्पेशलिस्ट के लिए जो पैटर्न है वो ऐसा रहेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके साथ में प्रोफेशनल नॉलेज का भी टेस्ट होगा 40 मार्क्स में, ये भी 200 मार्क्स का रहेगा टोटल और 120 मिनट्स मिलेंगे टाइम। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जो कि 30 मिनट्स का रहेगा और उसमें 30 मार्क्स रहेंगे, जिसमें 10 मार्क्स का आएगा लेटर राइटिंग और 20 मार्क्स की आएगी ऐसे, और ये जो है इंग्लिश में ही होगा। जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें चॉइस नहीं रहेंगी, ये सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना होगा आपको, और सारा एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और लास्ट डेट से पहले फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा।